हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये ब्लूटूथ स्पीकर की चार्जिंग पोर्ट टूट जाना ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी स्केल पे आता है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। दोस्तों, ये इसको ही आज हम रिपेयर करना सीखेंगे और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको जिसके चलते आप इसको बहुत ईजिली रिपेयर कर पाएंगे और बाद में ये टूटेगा भी नहीं। ओके, दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंश्योर करना है आपका ये जो टूटा हुआ पिन ये आगे काम करेगा या इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप पुराना मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं या फिर फ़ोन की रिपेयरिंग की दुकान से ले सकते हैं या फिर आप इस तरह की कोई इमरजेंसी की डीसी जैक खरीद सकते हैं, उसको तोड़ने से उसके अंदर ये वाला पिन मिलता है। ओके, और अगर आपके बगल में अच्छा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है तो उनके पास से ये वाला पिन आपको लूज मिल जाएगा, 10 रुपया लेता है, और कोई मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से भी मिलेगा। तो इतना सारा ऑप्शन आपको बता दिया, वहाँ से कुछ एक को आप अप्लाई करके इसको आप जुगाड़ लगा सकते हैं। ओके, तो अगर आपका पिन मेरे तरह ठीक है तब तो ठीक है, हम सोल्डरिंग कर देंगे और ये रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों, सोल्डरिंग गाइड की बात कर लिया जाए, आप इस तरह की सोल्डरिंग वायर यूज करें 50 रुपया लेता है। आपको 5 रुपया वाला जो पत्ता में आता है वो सब यूज ना करें, वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता और सोल्डरिंग अच्छे से नहीं होता, और आपको एक अच्छा फ्लक्स यूज करना है। ओके, तो सोल्डरिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सोल्डरिंग टिप लेना है वो जितना पतला है उतना ही अच्छा होगा, तो मेरे तरह हो तो भी चलेगा। ओके, अब इसकी टिप को आपको क्लीन कर लेना है कुछ इस तरीके से, पूरा क्लीन रखना है इसको। आप कोई सैंड पेपर से इसको घिस सकते हैं। ओके, तो ये जब पूरा चमचमाता हुआ दिखेगा क्लीन पूरा, तब ये आपका अच्छे से सोल्डरिंग कर पाएगा। ओके दोस्तों, पहले तो इस पिन के साथ थोड़ा सा प्लक्स लगाना होगा, साइड साइड में हम सोल्डरिंग करेंगे तो साइड साइड में ही लगाना होगा। तो अगर आपका इस पीसीबी के ऊपर ट्रैक भी उखड़ गया तो भी मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो पहले आपको साइड साइड की सोल्डरिंग कर लेना है, पिन की सोल्डरिंग हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से आपको एक भारी सोल्डरिंग करना है जैसे कि ये बाद में ना टूटे। ओके, अब इस साइड में भी सेम करेंगे उसी तरह। ओके, और ये ठीक से नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पे पीसीबी को थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। तो हम ऐसे इसकी नज़दीक वाला हिस्सा को घिस के इसकी कॉपर को निकालेंगे। अब इसमें पेस्ट देके सोल्डरिंग करना होगा तभी मजबूत बनेगी। ओके, इस तरफ भी सोल्डरिंग काफ़ी भारी हो चुका है, मतलब ये टूटेगा नहीं, पूरा मजबूत बन जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट पे एक बात और बता दूं, अगर आप ये वाला पिन दूसरा लगाते हैं, मतलब कोई मोबाइल के अंदर से खोल के या फिर किसी दूसरा जगह से जुगाड़ लगाया, तो आप पहले इंश्योर कर लेना कि इसकी जो काट है, ये जो देखिए काट लगा हुआ है, ये सब नीचे की तरफ है, तो उसको भी ऐसे ही लगाना होगा, वरना आपको यहाँ पे कनेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। इस तरफ जुड़ेगा, ये इस तरफ जुड़ेगा, नहीं तो आपका प्लस माइनस में गलत हो जाएगी, सीधी बात कहें तो ये है। ओके, और दोस्तों इसको जब लगाएंगे तो यहाँ पे हमें पोजीशन की ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी जो कैबिनेट है इससे ये ठीक से फिट हो या नहीं ये आपको आंसर करके ही इसको लगाना पड़ेगा। सोल्डरिंग करने के टाइम ही आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, ये लगाने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और ये इस कैबिनेट में नहीं बैठ रहा था, तो कैबिनेट को भी थोड़ा सा काटना पड़ा था पहले। ओके, अब दोस्तों कहना को इसका सोल्डरिंग तो हो चुका है लेकिन ये बाद में फिर भी टूटेगा, तो ये कैसे पूरा मजबूत करना है 100%, तो वो आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे। और पहले इसकी जो कनेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ, इसकी कनेक्शन करना काफ़ी इजी है। पहले तो आपको इस टिप को पूरा क्लीन कर लेना है, जितना क्लीन हो उतना ही अच्छा होगा। ओके, अब दोस्तों इसकी पिन में थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है, फिर इसको हीट करेंगे तो ये पिन अपने आप जुड़ जाती है। ओके, लेकिन अगर आपका पीसीबी में ट्रैक खराब हो गया तो आपको दो तार लेके, जो टूटा है उसके लिए तार लेके आपको यहाँ से लाके इसमें लगाना है। ओके, ट्रैक फॉलो करना है, तो जैसे कि देख सकते हैं ये माइनस वाला जो है ये पूरा आपका ये बॉडी जहाँ पे कनेक्टेड हुआ वहाँ से कनेक्टेड रहेगा, देखिए, और बीच वाला का कोई काम नहीं है, बीच में ये जो दो पिन है ये दोनों यहाँ पे भी है, इसका कोई काम नहीं है। और प्लस वाला है ये दाएं साइड में मिलता है, जब आपका ये काटा हुआ ये नीचे की तरफ मिलता है। ओके, तब ये दाएं साइड का होता है आपका प्लस,
तो ये प्लस कहाँ पे गया, देखिए ये ट्रैक को फॉलो करेंगे तो ये एक डायोड से जुड़ा हुआ है और इस तरफ ये ट्रैक जाके एक रेजिस्टर से इस एलईडी को जलाता है जब आप चार्ज करते हो। तो ये डायोड से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक छोटा सा तार लेके इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बारीकी से सोल्डरिंग करना पड़ता है। ओके, तो आप सोल्डरिंग टिप को हमेशा क्लीन करके ही पेस्ट लगा के आप सोल्डरिंग कीजिए, तभी आपका सोल्डरिंग ठीक से हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे काम जो है इसमें थोड़ा सा गर्म कर देना है इसको, तभी ये सभी पिन जुड़ जाएगी। ओके, ऐसे ही पेस्ट देके गर्म करेंगे तो ये जुड़ जाना चाहिए। अब आप देखेंगे ये पिन जुड़ा है कि नहीं। तो अगर ये नहीं जुड़ा है, अगर मान लीजिए ये जो प्लस वाला पिन ये नहीं जुड़ा है, ओके, तो आपको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट की सोल्डर लेना है सोल्डरिंग आयरन में, फिर उसमें देना है। ओके, अगर कोई दूसरा जगह पे गलत सोल्डरिंग हो गया तो आप यहाँ पे पेस्ट देके गर्म करेंगे तो वो सोल्डरिंग ठीक हो जाना चाहिए। ओके, अब देखिए प्लस मेरा जुड़ गया ठीक से और माइनस भी जुड़ गया, मतलब ये कनेक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब ये ठीक से कनेक्ट हो गया है। ओके, अब डाटा पिन को देखते हैं इसके साथ शॉर्ट हुआ कि नहीं। तो इस पिन के अंदर डाटा पिन शॉर्टेड रहता है, तो इस पिन को खोल लेते हैं, इस प्लस वाले डायोड के साथ देखेंगे डाटा पिन को शॉर्ट हुआ या नहीं। ओके, यह है आपका पॉजिटिव। ओके, और ये दोनों डाटा पिन देखिए बीच में ये कहीं से शॉर्ट नहीं हुआ। ओके, ये वाला भी शॉर्ट नहीं हुआ, डन। और माइनस के साथ देखते हैं डाटा पिन शॉर्ट हुआ कि नहीं। तो ये है आपका माइनस, ये दोनों डाटा पिन को देखेंगे तो देखिए ये शॉर्ट नहीं हुआ है। ओके, ये वाला माइनस का ही है। तो मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक्स्ट्रा मजबूती कैसे देंगे वो बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंदर में दो छेद आपको मिल रहा है जो कि इस तरफ से आया। ओके, तो इन दोनों छेद में हम एक रॉड को घुसाएंगे, ये रॉड एक एलईडी का रॉड है, तो इसको घुसा के हम सोल्डरिंग कर देंगे तभी ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम इसको दूसरी साइड से लगाएंगे और इस साइड में सोल्डरिंग करेंगे। ओके, तो ये जाएगा इस तरफ और ये इस तरफ जाएगा। अब ये पिन के साथ सोल्डरिंग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देंगे पिन के साथ। अब देखना यह है कि ये कैबिनेट में ये पिन का कितना हिस्सा सेट होता है, तो वो भी हमें ध्यान में रखते हुए करना है। ओके, तो ऐसे ही ये कैबिनेट में प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा और इस तरफ लेना है, जस्ट इसके बराबर ही हमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं। अब दोस्तों एक्स्ट्रा मजबूती के लिए इसको इसके साथ एक और रॉड देके कनेक्ट कर दूंगा। ओके, ओके दोस्तों, ये काफी मजबूत बन गया है अभी। तो अब आप बताइए कब ये टूटेगा, कभी टूटेगा क्या ये? तो आप इसको जिंदगी भर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी ये और फिर से टूटेगा नहीं। ओके, तो ओके दोस्तों फाइनल टेस्टिंग करते हैं। ओके, अब ये जल गया, मतलब ये पूरा हमारा कनेक्शन सब सही है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से मैंने सोल्डरिंग कर दिया, अब ये कभी भी टूटेगा नहीं। ओके, दूसरा पार्ट टूट जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं कभी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस तरह की वीडियो देखना पसंद है और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल, नया नया सर्किट मेकिंग आइडिया ये सब देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल का वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।